अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एज यू नो दैट मैं हूँ सोनिया टेकरी और आज आप लोगों के लिए लेके आई हूं एक नई वीडियो। अच्छा, इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो में मैंने आई थिंक आप लोगों को प्रीवियस वीडियोज में कहा था कि मैं अपने घर का आप लोगों को टूर करवाऊँगी, थोड़ा सा काम चल रहा है तो उसके बाद, तो अब वो काम कम्प्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है, सारा कम्प्लीट नहीं हुआ है। तो आज जो है छोटा सा जो टूर है वो अपने घर का मैं आप लोगों को करवाऊंगी। आई होप सो सबको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो मेरे जो है वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियोज़ आप लोग तक पहुँच सकें। चले जी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है जो मेरे घर की बाहर की लुक, और बाहर का मौसम बहुत आउटस्टैंडिंग हो रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, चलें जी आप घर में इंटर होते हैं। यहाँ पर मैंने किया है जी डोर ओपन। डोर ओपन करते ही मैं इंटर हो चुकी हूँ पॉर्च में, और यहाँ पर नेक्स्ट जाएंगे, लाइट ऑन करेंगे। अच्छा जी, ये है जी हमारा किचन। यहाँ पे अक्सर खड़े होकर मैं नूडल्स भी बनाती हूँ, मतलब सिर्फ नूडल्स ही कुक नहीं करते, हम काफ़ी कुछ कुक करते हैं, लेकिन मैं तो यहाँ पे सिर्फ नूडल्स ही कुक करती हूँ। तो जी ये है जी हमारा किचन। तबीयत मेरी थोड़ी सी ख़राब है तो इग्नोर माय वॉइस। अच्छा, ये है हमारा टीवी लाउंज। यहाँ पर जो है मेरी भाभी बैठी बच्चों के कपड़े स्टिच कर रही थी क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे अक्सर खड़ी होकर मैं जो है पिक्चर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे पिक्चर अच्छी आती है, लाइट का जो है वो सिस्टम यहाँ पे अच्छा है। अच्छा, अगर आपके दरवाज़े पर भी ऐसे तौलिया नहीं लटके हुए तो आप लोग जी बर्गर आओ, ठीक है ना। हम तो भी मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे तो जी दरवाज़ों पे ऐसे तौलिए लटके ही रहते हैं, ना ही हमें यहाँ पे कोई और चीज़ रखने की जगह मिलती। अच्छा, ये नेक्स्ट रूम में आते हैं। ये रूम है एक, ये ज़्यादातर जो मेरी दादू का रूम है, तो ये साथ में जो है कबर्ड्स पड़ी हुई हैं। उसके बाद आ जाते, अच्छा सीलिंग हमारे घर में हर किंग की हुई है, मुझे ये पहले दिखाने का याद भूल गया। अच्छा, ये है जी हमारा ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में जी ये आप देख सकते हैं, हमने ऑफ वाइट कलर इसका करवाया था, और इसके साथ एक अटैच वॉशरूम भी है। वॉशरूम में भी चलो लेके चलते हैं। वैसे तो वॉशरूम सबके सेम ही होते हैं, दिखाने की ज़रूरत तो नहीं है, खैर चलें नो प्रॉब्लम। ओके, अच्छा इसका एक दरवाज़ा बाहर की तरफ भी खुलता है, एक अंदर की तरफ भी है, तो ये ना कहेगा कि पता नहीं क्या है, उधर वाला दरवाज़ा तो खुला हुआ था, तो वो दरवाज़ा एक बाहर की तरफ है एक अंदर की तरफ है। उसके बाद अच्छा, ये पता नहीं क्या हमारे घर में सिस्टम बनाया गया कि दरवाज़े के रूम के अंदर रूम रखा गया। अच्छा, उसके बाद ये दो रूम हो गया। अच्छा, मैं साथ साथ लाइट्स बंद करती जाऊँ, ये ना हो कि मुझे पीछे अपनी माँ से गालास पड़ती रहें कि क्या तुम लाइटें ऑन कर करके जा रही हो, और बिजली वैसे ही बड़ी महंगी हुई पड़ी है, आप लोगों को पता है। अच्छा, उसके बाद ये आ जाता है हमारा स्टोर रूम, पेटियों वाला रूम है, ए ओ है। खैर, ये मेरी भाभी का जो है पेटी है, पेटा है, क्या कहते हैं इसको, ट्रंक है वो, बाकी जो है ये मम्मा के ट्रंक्स पड़े हुए थे। अच्छा, ये कपड़े जो है आयरन करके जो है डाले हुए थे क्योंकि पापा लोग जो है कि उनको कवर से निकालने में बड़ी मुश्किल होती है, तो यहीं से उठाते हैं और नेक्स्ट चले जाते हैं। अच्छा, ये हमारा जो है टीवी लाउंज अभी चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक और रूम है, ये पापा का रूम है, पापा ने इस पर कब्ज़ा किया हुआ है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर हर एक फैसिलिटी मौजूद है तो इस वजह से ये पापा का फेवरेट रूम है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने ये पैलिंग करवाई है तो मुझे ज़रूर बताइए ये अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही, मुझे तो बस सो लगा था। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी नेक्स्ट रूम। नेक्स्ट रूम में ये चलते हैं। अच्छा, ये आगे हमारे नेक्स्ट रूम, और इस रूम में भी आप, यहाँ पर हम लोगों ने वॉलपेपर काफ़ी अरसे का लगवाया हुआ है, ये अब का नहीं है, ये बहुत पुराना है। उसके बाद इसमें जो है एक अटैच वॉशरूम भी है, वो जो आप देख सकते हैं दरवाज़ा दूसरी साइड पे जा रहा है, तो वो अटैच वॉशरूम का ही है। मैं साथ साथ लाइट्स भी बंद करती पड़ रही हूँ कि मुझे कोई गालियाँ ना पड़े। अच्छा, ये हमारा सेहन आ गया है। सेहन में आप देख सकते हैं कि चारपाई पड़ी हुई है क्योंकि अक्सर बाहर बैठना पड़ जाता है, जैसे कि आज मौसम अच्छा है। अच्छा, उसके बाद ये हमारे गाड़ी का पोर्च जो है वो बनाया हुआ है हम लोगों ने। उसके बाद अच्छा चलें, आपको दूसरे अपने जो गेट के दूसरे साइड का व्यू है वो भी दिखाते हैं। ये देखो बच्चे खेल रहे थे,
तो ये गली, ये हमारी गली है, ये अनुसंधान ही रहती है, सारे अपने घरों में ही रहते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक और वॉशरूम भी है। अच्छा, उसके बाद मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ छत पे। छत पे जो है इतना कुछ, सेकंड फ्लोर हमारा बना नहीं हुआ इतना, तो बस नॉर्मल ही है वहाँ पे। हमने कोई 3-4 एवी मुर्गियाँ रखी हुई हैं, मम्मा ने शौक से, जो अंडे तो देती नहीं है। खैर, ये टैंकी है, अभी टैंकी मर गया, मैं कोई नीली टैंकी नहीं है बनाई हुई, टैंकियाँ पड़ी हुई हैं। अच्छा, उसके बाद ये एक स्टोर रूम है। यहाँ पे पहले भाई ने अपने वो रखे हुए थे, कबूतर रखे हुए थे, अब वो जो है उसने बेच दिया। आप लोग मौसम देख सकते हैं कितना आउटस्टैंडिंग मौसम हो रहा था, बहुत मज़े का। जैसे अभी बारिश होने वाली है, पर बारिश हुई हुई कोई नहीं। ये मुर्गियाँ मेरी तरफ भागी भागी आ रही थी, मैं उनके लिए कुछ खाने को लेके आई, पर मैं उनके लिए कुछ भी नहीं लेके आई थी। ये हमारी छत का सारा जो है व्यू तो गाइस, है। आई होप सो आप लोगों को मेरे घर का टूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल पे कमेंट करके लाजमी बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाऊँ मुझे लाजमी बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।